अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कलर जल्दी बोल। नहीं नहीं मेरे पास वक्त बहुत कम है। दर्जी प्लीज, जो भी बात है हम घर चलकर आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। प्लीज ये बेवकूफी बंद करो, उसे पीछे लो। नहीं बेटा जी, जब तक ये अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेती मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। गड़बड़ हो रहा है और सब कुछ उस दालचीनी की वजह से हो रहा है। पागल हो गई है लड़की। दालचीनी, 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 दालचीनी उठो। दालचीनी आज के कोलों में तुम्हारे साथ। मैंने दीपक को नहीं मारा। प्लीज चुप हो जाओ तुम। क्या हो गया है तुम्हें? दालचीनी आपकी कोलो। जरूर इस राजरानी ने ही कुछ किया है दालचीनी को। बात सुन बेटा, दालचीनी मैं समझ सकती हूँ कि दालचीनी के साथ तेरा इमोशनल अटैचमेंट हो गया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि तू अपनी फैमिली की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करे। मैं पहले दिन से ये कह रही हूँ कि जिस तरह की दिमागी हालत में इस समय दालचीनी है उसे घर पर नहीं रहना चाहिए। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ बेटा, परिवार का हर सदस्य यही कह रहा है। तू दिव्या से पूछ, उसके दो छोटे बच्चे आज कला के साथ हुआ है। अगर रूही और समर्थ के साथ कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? भरजाई जी बिल्कुल सही कह रही है तेज, दालचीनी की जगह अब इस घर में नहीं पागल खाने में होनी चाहिए। तेज देख, मैं जानती हूँ तू समर्थ और रूही से ना बहुत प्यार करता है, उनकी बहुत केयर करता है, पर केयर करने से क्या होगा? उनकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तेरी है ना तेज। देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ के खड़ी हूँ, मेरे बच्चों के लिए ना ये सब मत करना। दालचीनी को मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। मैंने लॉयर से बात कर ली, तो वो कोर्ट का ऑर्डर लेकर आ रहा है कि दालचीनी को इस वक्त ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है।
बेटा अगर ना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे अपने परिवार की कोई चिंता नहीं और सिर्फ दालचीनी के बारे में तू सोच रहा है तो फिर ठीक है बेटा, जैसा तू बोलेगा वैसा ही होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, आज उसने कला को मारने की कोशिश की है, हो सकता है कि कल वो मेरी जान लेने की कोशिश करे, और ये भी हो सकता है कि तू वक्त पर ना पहुंच पाए और अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो दे। आगे तेरी मर्जी है बेटा। तेज, ये कहते हुए मेरा दिल टूट रहा है, दीदी मेरी सगी बहन है लेकिन अब उसकी जगह यहाँ नहीं है। दीदी को मदद की जरूरत है, उसे इलाज की जरूरत है। ठीक है, मैं खुद दालचीनी को मेंटल हॉस्पिटल छोड़कर आऊंगा। लेकिन होली के बाद विश्वास नहीं हो रहा है कि दीदी के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई। थोड़ा बहुत चीखना चिल्लाना तो कर लेती थी लेकिन आज तो हद ही हो गई। पता नहीं तेज नहीं होता तो मेरा क्या होता आज। पर इतना सब होने के बाद भी अब भी तेज दीदी की सेवा कर रहा है। बहुत चैन से सो रही है ना, लगता है अब इसे हमेशा के लिए सुलाने का वक्त आ गया है। मेरे बेचारे बच्चे का मूड खराब हो गया। इस गवार से छुटकारा मिले तो मेरे बच्चे की जिंदगी संवर जाए। चलो कोई नहीं, माँ के हाथ की गुजिया खाएगा तो अपने आप ही इसका मूड ठीक हो जाएगा। आंटी जी, आप यहाँ पर गुजिया बनाते रहिएगा, वहाँ वो बेहोशी की हालत में भी बाजी जीत जाएगी। क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं कर रही हूँ आंटी जी, जब से तेज दीदी को घर वापस लेकर आए तब से उसके पास से हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। पीछे मैं सच कह रही हूँ, अगर ये इतना सारा जो प्यार है ना, अगर ये अब भी तेज के दिल में है ना, तो वो ऐन वक्त पर आकर दीदी को पागल खाने भेजने के लिए मना कर देगा। मेरा काम तो हो गया। यहाँ क्या कर रहा है? नीचे सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। होली के दिन ऐसे उदास नहीं बैठते। पर दालचीनी को ऐसी हालत में छोड़कर मैं सबके साथ होली का दहन करने कैसे आ सकता हूँ? बेटा, होली का दहन के लिए हम कहीं दूर थोड़ी जा रहे हैं, नीचे लॉन में कर रहे हैं ना। और सुन, थोड़ी थोड़ी देर में कोई आकर इस पर चेक कर लेगा, ठीक है ना? अच्छा, एक काम कर, अपने कपड़े गेस्ट रूम में ले जा, वहीं पे चेंज कर ले, वरना दालचीनी डिस्टर्ब हो जाएगी। चीनी ने बहुत दर्द सहे हैं भगवान, वो राजरानी और कला का असली चेहरा सबके सामने लाने में सफल हो जाए। दीदी तो आज बचने वाली नहीं, बस उसके जाने के बाद तेज को हमेशा हमेशा के लिए मेरा कर दो भगवान। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भगवान,
दालचीनी को जो भी हुआ है उसे ठीक कर दो। मैं किसी भी हालत में दालचीनी को खोना नहीं चाहता। इतने करीब से देखना कितना डरावना होता है। अब देखिए दालचीनी दंगल प्ले पर टीवी से पहले।